देश के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जन भागीदारी का महत्व समझते हुए उन्होंने जो रास्ते सुझाए वो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी भारत की अखंडता और एकता। और इसी के लिए 52 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आइए हम हमेशा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के संदेश को याद रखें, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जी जान से जुटे रहें।